को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के तत्वावधान में व्यापक आंदोलन चल रहा है। प्रेरणा ऐप अध्यापकों के मान सम्मान पर ठेस पहुंचाने वाला एक कदम है, क्योंकि अध्यापक पूरी सत्यनिष्ठा के साथ में अपना संपूर्ण योगदान देता है। तरह तरह की सरकार की जो योजनाएं हैं उन्हें भी साथ साथ अपने विद्यालय के कार्य के साथ अंजाम देता है। उसके बावजूद अध्यापक की सत्यनिष्ठा को संदिग्ध मानते हुए उस पर ये नियंत्रण रखना कि अध्यापक क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, जबकि अध्यापक पूरे मनोयोग से अपने बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहा है। और जो पिछले रिकॉर्ड आए हैं, जो आंकड़े आए हैं, उसके अनुसार प्रदेश में गुणवत्ता बढ़ी है, प्रदेश में बच्चों की संख्या भी बढ़ी है। और अध्यापक ने अपने स्कूल के साथ साथ सरकार की तमाम योजनाओं की सफलता के लिए पूरा योगदान दिया है, चाहे वो पल्स पोलियो राष्ट्रीय कार्यक्रम हो, चाहे सरकार की तरह तरह के और अन्य कार्यक्रम हो, उनको पूरे मनोयोग से अध्यापक सफलता के साथ में आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद सरकार पर ये नियंत्रण करना, उसे बांधना, ये गले उतरने वाली बात नहीं है। अध्यापक को प्राचीन काल से बड़ा दर्जा प्राप्त है और उसको इस तरह से नियंत्रण में बांध करके काम कराना ये अध्यापक की गरिमा के खिलाफ है, ये शास्त्रोक्त भी नहीं है। तो मैं अनुरोध करूंगा सरकार से कि एक अध्यापक जो हमारे समाज का मॉडल है, जो आदर्श है, जिसे राष्ट्र निर्माता कहा गया है, उस पर नियंत्रण ना करके उसे स्वच्छंद रूप से पूरा अधिकार दिया जाए अपने विद्यालय को संचालित करने का, ताकि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए वो पूरे मनोयोग से काम कर सके। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे दर्ज करा रहे हैं बीआरसी पे विरोध प्रदर्शन, इसके बाद क्या करेंगे, कहाँ पे विरोध प्रदर्शन? उत्तर प्रदेश ये प्राथमिक शिक्षक संघ की ब्लॉक इकाई के तरफ से आज यहाँ धरना दिया गया है, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष कुलदीप त्यागी जी, ब्लॉक मंत्री जितेंद्र कटारिया जी, संरक्षण मनोज शर्मा जी सहित पूरी टीम और ब्लॉक के लगभग सभी अध्यापक यहाँ मौजूद हैं। इसके पश्चात जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, और तब भी सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम प्रदेश की राजधानी में जाकर के अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, दिल्ली में जाकर के आवाज़ को बुलंद करेंगे और सरकार से अनुरोध करेंगे कि सरकार अध्यापकों के मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ में इस तरह का मजाक ना करे, अध्यापक को अध्यापक रहने दिया जाए, उसकी गरिमा को एक मॉडल रूप से समाज स्वीकार करे और अध्यापक बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए कृतसंकल्प हो, उसे मानसिक रूप से दबाव देकर के आप कार्य ना कराएं। जिस तरह से पिछले 70 साल में अध्यापकों ने प्रदेश के और देश के शैक्षिक स्तर को ऊंचा उठाया है, वो उसने अपने मन की ताकत से आगे उठाया है, आप उस पर नियंत्रण करके, उस पर जबरदस्ती करके इस तरह का कदम ना उठाएं, अध्यापक की गरिमा को बहाल करें, यही निवेदन उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षण का सरकार से है।